मुरादाबाद की नगर पंचायत पागबड़ा के एक कथित पत्रकार प्रेम सागर द्वारा अनाधिकृत ट्विटर अकाउंट नामक भारत न्यूज लाइव से बार बार राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने वाली पोस्ट वायरल की जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रमुख शिवसेना डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने मुरादाबाद कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद से लिखित शिकायत की है और देशद्रोह का मुकदमा लिखने की मांग उठाई है। रामेश्वर दयाल का ही कहना है कि दिनांक 27 सितंबर समय रात्रि 8:35 पर एक अनाधिकृत ट्विटर अकाउंट भारत लाइव प्रेस से देश के तिरंगे के संबंध में एक पोस्ट डाली गई है, जिसमें देश के तिरंगे का अपमान जानबूझकर बार बार सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, जिस कारण देश के तिरंगे का अपमान अकाउंट संचालक एवं कथित पत्रकार प्रेम सागर निवासी लोधीपुर राजपूत थाना पागबड़ा मुरादाबाद के द्वारा किया जा रहा है। देश के तिरंगे का अपमान सोशल मीडिया में प्रसारित करना एक सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र है, जो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय ध्वज हम सबका गौरव है, सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोई सामग्री नहीं है। कथित पत्रकार और अनाधिकृत अकाउंट संचालक प्रेम सागर द्वारा जानबूझकर राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित किया गया है। साथ ही कमिश्नर महोदय को सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा बताकर समाज और सोशल मीडिया पर अपमानित करने की कोशिश की गई है। ऐसे राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कराना देशहित और राष्ट्रीय ध्वज के हित में जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न कर सके। जी, कल 27 सितंबर से रात्रि लगभग 8:30 के आसपास से एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान दिखाया जा रहा है। ठीक है, किसी होमगार्ड से कोई गलती, खुशी में कोई गलती हो जाती है, लेकिन उसका बार बार सोशल मीडिया पर प्रचारित करना यह भी एक दंडनीय अपराध है और देशद्रोह की श्रेणी में आता है। या तो कि प्रेम सागर लोधीपुर निवासी अपने अनधिकृत ट्विटर अकाउंट भारत लाइव प्रेस द्वारा बार बार सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की बार बार न्यूज दिखा रहे हैं, बार बार डाली जा रही है, ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। और यहाँ मुरादाबाद के मंडला आयुक्त को भी वो ब्लेम लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि सत्ताधारी हैं, सत्ता के हैं वो, तो कमिश्नर या कोई भी अधिकारी सत्ता से उसे क्या मतलब, वो तो सरकारी होता है, सत्ता से उसे क्या मतलब, प्रशासन का होता, तो ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है और इन पर शीघ्र से शीघ्र राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम कर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये प्रेम सागर हैं।